दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा ट्यूबलाइट में चोक लगता है उसको हम चेक कैसे करें कि वो सही है कि खराब है, इस विषय में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मैंने एक मल्टीमीटर रखा हुआ है। आप सीरीज लैंप का भी उपयोग कर सकते हो, आप मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हो। और ये है हमारा एक चोक जो कि ट्यूबलाइट में यूज होता है। एक चीज मैं और बताता हूँ दोस्तों कि ट्यूबलाइट को कनेक्शन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखिए, इसके ऊपर भी, चोक के ऊपर भी वायरिंग बनी होती है। आप यहां से भी देख करके समझ सकते हो कि वायरिंग कैसे होती है। तो देखिए, मल्टीमीटर की सहायता से अभी हम चेक करेंगे कि चोक सही है हमारी कि खराब है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हम इसको कंटिन्यूटी पर लगा देंगे, उसके बाद हम इस चोक को चेक करेंगे। आप सीरीज लैंप का भी उपयोग कर सकते हो। जब आप सीरीज लैंप में ऐसे ही दो तार होंगे, उन दो तारों की मदद से आप इस चोक को चेक कर सकते हो। जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग की जगह पर लैंप जलेगा, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिए, बहुत लोग कहते हैं, कई लोग मन में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें जो ये दो पॉइंट्स होते हैं इनमें एक फेस एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एक में फेस दिया जाता है और उसी फेस को दूसरे सिरे से हम निकाल लेते हैं। मतलब इस चोक को हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, केवल और केवल इसमें एक पॉइंट में, चाहे इसमें चाहे इसमें, आप एक फेस दे दीजिए और दूसरे साइड से आप फेस को निकाल लीजिए, या तो यहां पर दीजिए यहां पर निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि इधर देंगे फेस इधर निकालेंगे, इधर देंगे फेस इधर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी साइड में आप फेस दे दीजिए, दूसरे साइड दूसरे पॉइंट से आप फेस को निकाल लीजिए और उसको आप लेके चले जाइए दूसरी इक्विपमेंट को में लगाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा ये रीडिंग बता रहा है, हमारा मल्टीमीटर हमने कंटिन्यूटी पे लगा दिया। क्योंकि इसमें क्वाइल होती है, बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए बजर नहीं बजेगा इसमें, केवल रीडिंग बताएगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये देखिए, हमने एक में एक तो इसमें लगा दिया और एक दूसरे में लगा दिया। अब देखिए इसका दोस्तों रेजिस्टेंस बता रहा है लगभग 70 ओम के आसपास, इसका रेजिस्टेंस बता रहा है दोस्तों, 60 से 70 ओम वेरी कर रहा है, लेकिन 63 ओम पे कांस्टेंट हो गया कि 63 ओम इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। मतलब आपको सिंपली सीरीज लैंप लेना है और इन दोनों पॉइंटों पे लगा देना है। अगर बल्ब जल रहा है तो आपका जो चोक है वो सही है, अब अगर यहाँ पे लगाने पे अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो आपका चोक खराब है। मल्टीमीटर यदि आप लेते हैं तो कंटिन्यूटी पे आप लगा दीजिए और सिंपली इन दोनों पॉइंटों पर आप ऐसे ही देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पे ऐसे ही आप लगा दोगे और रीडिंग आप देख लोगे, ठीक है। अगर ये इसमें रीडिंग आती है मतलब इसमें कंटिन्यूटी है और चोक आपकी सही है, और एक समय आएगा जब ये स्थिर हो जाएगा। तो 63 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे इस चोक का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्क्रीन है उसके नीचे एक रेड कलर की बटन है उसको भी दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन की बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इलेक्ट्रिकल में आप हमेशा अपडेट रहें। क्योंकि इस चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है जो कि आप लोगों के ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।